नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आज हम भिंडी मटन बनाने जा रहे हैं। भिंडी मटन बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स आपके स्क्रीन पर हैं। मटन 1 किलो, भिंडी 1/2 किलो, 5 प्याज लेने हैं बड़े हमें, टमाटर 5, कुकिंग ऑयल, अदरक लहसुन का पेस्ट 4 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर 2 टेबलस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून, मीट मसाला 1 टेबलस्पून, गरम मसाला 1 टेबलस्पून, नमक स्वाद अनुसार। सबसे पहले हम कढ़ाई में 4 से 5 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। सरसों के तेल में सब्जी ज़्यादा अच्छी बनती है। जब तेल में धुआं उठने लगे तब हम उसमें अपने कटे हुए प्याज डालेंगे। प्याज ब्राउन होने पर हम उसमें सबसे पहले मटन डालेंगे। पहले मटन डालने से उसकी हीट निकल जाती है, जो उसमें आती है हल्की स्मेल कच्चापन मीट का। अच्छे से इसको भून लीजिए कच्चापन निकलने तक। इसमें आप लौंग, इलायची, दालचीनी, ये सब आपकी इच्छा है तो आप डाल लीजिए। वैसे इसमें अच्छा लगता नहीं है ये। ये हमारे मटन में पानी छोड़ दिया है थोड़ा। ये हल्दी पाउडर है। लाल मिर्च पाउडर है। मसाले आप अपने स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। जितने आप तीखे खाते हैं तो ज़्यादा डालें, कम खाते हैं तो कम डालें। गरम मसाला, मीट मसाला। मीट मसाले में वैसे ही सारी खुशबू होती है खड़े मसालों की, तो इसलिए इसमें खड़े मसाले अच्छे नहीं लगते हैं। लौंग, इलायची वगैरह आपने डालने हैं तो आप डाल सकते हैं इसमें। ये धनिया पाउडर है।
नमक अपने स्वाद के अनुसार डालें। मीट को पहले प्याज में भून लेने से उसके अंदर की जो हीक आती है मटन की वो खत्म हो जाती है। अब हमें इसे मसाले में अच्छी तरह से भूनना है जब तक कि मसाला तेल ना छोड़ दे। अभी हम पहले मटन को थोड़ा पकाएंगे। आप कुकर में भी बना सकते हैं इसको। कुकर में बनाते टाइम आपने भिंडी में सीटी नहीं लगानी वरना भिंडी एकदम से गल जाएगी बहुत ज़्यादा। ये हमारा मटन बिल्कुल भुन गया है अच्छे से, ये तेल छोड़ दिया इसने। इसके अंदर हम आप प्याज टमाटर डालेंगे और उसको एक बार और से दोबारा से भूनेंगे टमाटर के गलने तक। आप टमाटर को मसाले के साथ में भी डाल सकते हैं। ये टमाटर हमारे पक गए हैं। अब हम मीट थोड़ा चेक करेंगे क्योंकि जब मीट थोड़ा बिल्कुल थोड़ा सा रह जाए कल उसमें पकने में तभी हमें उसमें भिंडी डालनी है। कच्चे मीट में भिंडी नहीं डालनी वरना वो बहुत ज़्यादा पक जाएंगी। ये मटन को गलाने के लिए हमने इसमें पानी डाला है। ये हमने भिंडी को इस तरह से काटना है, ऊपर से पूरा नहीं काटना है इसको, ऊपर से ऐसे सिर्फ छिलके उतारने हैं इसके गोल गोल करके जैसे हम आलू के छिलके उतारते हैं, और अंदर से उसको बीच में एक चीरा लगाना है और चीरा लगाकर हमें ये देख लेना है कि उसमें कीड़ा वगैरह ना हो। ऊपर से इसको बिल्कुल काट के अलग नहीं करना है वरना वो लेस छोड़ देगी भिंडी। आपने उसको आलू की तरह छीलना है ऊपर से। ये भिंडी मीट हमारा बनकर अब तैयार हो रहा है। अभी भिंडी हमारी हल्की सी कच्ची है तो भिंडी मीट हमारा बनकर तैयार हो गया है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।